भाजपा मुख्यालय से राजस्थान की प्रथम जन संवाद वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। वर्चुअल रैली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण चतुर्वेदी सहित राष्ट्रीय सह संगठन सचिव सतीश, संगठन महासचिव चंद्रशेखर, सांसद रामचरण बोहरा ने भी शिरकत की। वर्चुअल संवाद रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, ऐसे में भारत ने एक मिसाल कायम की है और यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता की वजह से संभव हो सका है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जनता ने देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री दिया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आतंकवाद का सफाया कर दिया है। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने आखिर क्यों की बाड़ाबंदी, 35 करोड़ में तो पूरी कांग्रेस को ही खरीद लेंगे। वर्चुअल रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राजस्थान कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि यदि यूपीए सरकार के दौर में कोरोना संकट आया होता तो देश का क्या हाल होता, कांग्रेस का भीतरी कलेश कहीं प्रदेश की जनता को भारी ना पड़ जाए। बावजूद इसके मैं राजस्थान की जनता को आश्वस्त करती हूँ कि भाजपा भले ही प्रदेश में सत्ता में ना हो, लेकिन सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी।